सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं द विवेक ब्लॉग। तो आज हमें चंदेरी के किला पे, जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है चंदेरी का किला, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है इसका नज़ारा। तो ये वाटर पार्क होगा शायद, जो कि पहले के ज़माने में पाइप लाइन भी डली हुई है, पानी निकलता होगा फव्वारा टाइम में। और इसकी जो डेकोरेशन आपको दिख रही है ना, कुछ इसकी दीवार टूट भी गई थी बहुत पहले में, एक साल पहले आया था। कुछ चीज़ें इसकी डैमेज थी जो कि बाद में रिपेयर हो गई हैं, और बहुत सारे इसके रास्ते हैं जो कि ऊपर नीचे जाने के लिए हैं। आप पता ही नहीं चले, एक कमरे में जाने के लिए तीन तीन रास्ते हैं। चलिए अंदर चलते हैं कमरे में, जो कि अभी यहाँ पर मतलब एक कमरे में इसकी जो तस्वीर हैं, फ़ोटो हैं, लगा दी गई हैं। पहले नहीं लगी थी जब हम आए थे, लग गई हूँ। तो ये पहले की तस्वीर है, और अभी न्यू जो किला तैयार हुआ है, और किलों की भी तस्वीरें हैं, जो कि यहाँ पे चंदेरी में काफ़ी किले हैं, म्यूजियम भी है। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से पहला रास्ता है ऊपर जाने, ये अब आपको जो दिखेगा ना, ये छेद दिख रहे हैं, ये आगे दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ से तेल और गरम तेल डाला जाता था, गरम पानी डाला जाता था, यहाँ से तीर कमान भी चलाते थे। और ये जो रूम आपको दिख रहे हैं, एक के आगे एक रूम है, जो कि किला के लिए काफ़ी रास्ते हैं। किले के अंदर से आप किसी भी दिशा से, किसी भी रास्ते से आप पहुंच सकते हैं, और एक रूम के लिए कम से कम तीन रास्ते हैं। और आप मतलब बहुत सारे रास्ते हैं ऊपर के लिए, नीचे के लिए, कोई से भी रूम के लिए। यहाँ से आपको जो किले का बीच का व्यू दिखेगा, और ये रूम के बाहर से ऊपर के लिए सीढ़ी गई हैं। ये अब हम चल रहे हैं तीसरी मंजिल पर। यहाँ से आपको पूरा चंदेरी शहर दिखेगा, यहाँ से खिड़की से पूरा चंदेरी शहर दिखेगा। ये मैंने आपको बताया था, ये किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। ये किले की जो दीवार हैं बहुत सी डैमेज हैं, टूट भी गई हैं, काफ़ी साल पुराना है। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।